इजी कुकिंग भाई परमजीत कौर फ्रॉम मोहाली भी थोड़ा स्वागत है। अज असी पनीर गाजर हलवा बनावांगे, यानी कि पनीर पाके गाजर का हलवा बनावांगे। जे दी रेसिपी थोड़ी अच्छी लगे, पसंद आए तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर कर दियो। जे हुण तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वह भी प्लीज़ कर दियो, नाल ही बैल आइकन जरूर प्रेस कर दियो ताकि साडी हर वीडियो की नोटिफिकेशन थोड़े तक पहुँच सके। हुण इहनू बनाउण वास्ते जिहड़ी जिहड़ी चीज़ की जरूरत है एक एक करके असीं तुहानूं दिखाने आ। हाँ तो भाई, सब तो पहले असी गाजरों को बहुत अच्छी तरह वॉश करके उन्होंने उपर का छिलका हल्का पतला जहा उतार के अगों पिछों कट के तो इनू असी ग्रेड कर लिया, कद्दूकस कर लिया। कोई भी तरीका इनू अपना सकते हो तुसी, मतलब इनू बरीक करना है, इनू बरीक करना असी। तो यदा बरीक करने तो बाद इसका वेट 800 ग्राम है। तो उस तो बाद असी पनीर 200 ग्राम लिया, उन्होंने भी असी ग्रेड कर लिया। तो ये वास्ते असी चीनी 200 ग्राम है जी, तो ये वास्ते तरबूज के बीज असी ले हैं, ये 80 ग्राम यदा वेट है। तो 5-4 इलाचियां लैके उन्होंने असी पाउडर बना लिया, तो थोड़ा जहा देसी घ्यो लिया, 2-1 चम्मच असी देसी घ्यो असी यूज़ करा। तो इन असी हुण बनाना शुरू करते हैं। असी गैस से देखो जी कढ़ाई रख दी है। सब तो पहले असी जरा गाजर का पानी वो असी ड्राई करा, उस तो बाद जरा नैक्सट प्रोसैस उस तो बाद करा। पहले असी इन नाल नाल हिलाते रहोंगे, इन फुल फ्लेम से असी गाजर का पानी इनू सुकावे, नाल नाल गाजर भी गलेगी तो नाल नाल पानी भी सुक जाएगा। बाकी जी चीज़ा है थोड़ा चीनी है तुम एज पर टेस्ट घट वध पा सकते हो, इस तरह तरबूज के बीज भी घट वध पा सकते हो, तुहाडे अपने टेस्ट के मुताबिक होर भी कोई ड्राई फ्रूट ऐड करना कर सकते हो, लेकिन असं सिर्फ तरबूज के बीज अभी इस ऐड कर रहे हैं। देखो जी नाल नाल असं कड़छी मारते रहना ताकि ये ना हो कि नीचे सड़ जाए, ये देखो नाल नहीं लगना चाहिए, बस थोड़ी थोड़ी देर बाद कड़छी चलाते रहो। ये भाई बहुत ही आसान है इनू बनाना और बनता भी बहुत टेस्टी और हल्का है, क्योंकि कोई ज़्यादा असं कुछ नहीं पा रहे। देखो जी पानी साढ़ा देखो जी काफ़ी हद तक बिल्कुल ड्राई हो गया, असं मीडियम फ्लेम का किया तो नाल ही असी चीनी असी ऐड करती, मीडियम फ्लेम करता सी ताकि ये जरा थोड़ा कसर अगर गलन जो भी तो वह भी पूरी हो जाए, जो थोड़ा बहुत गल भी जाता वह, क्योंकि फुल फ्लेम से असी पानी यदा पा लिया से जिन्ना रिलीज़ किया चीनी पा के मिक्स कर देना इनू, तो मीडियम दिन रख देना, मीडियम तो घट ही रखना बल्कि थोड़ा जहा ताकि जी चीनी भी पानी रिलीज़ करेगी वह भी सुकावे तो नाले गाजर थोड़ी गल भी जाएगी। अब कोई चीनी पाने मॉइस्चर फिर आ गया, अब कोई पानी काफ़ी पानी ये आ गया, असं इन हूँ मीडियम फ्लेम से असं पानी यह भी सुका लेना बिल्कुल, तो नाल नाल सड़िया गाजर गल जाए। तो देखो चीनी ने बहुत पानी रिलीज़ किया, गाजर साड़ी गली पई है जी असी ग्रेड कर की हुई सी, तो इन असं फुल फ्लेम तो रखे, सिर्फ असं इन ड्राई पानी सुखाना है पूरा। हाँ देखो जी देखो चीनी का पूरा असी पानी ड्राई हो गया, हूँ असी ये पनीर जो ग्रेड किया हुआ कद्दूकस करके रखे वो असी ऐड कर देना, ये अच्छी तरह इन मिक्स कर देना और इनू हिलाते रहना नाल नाल ताकि ये नीचे ना लग जाए, बस जरा भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर ये चो निकलेगा या दूसरा होएगा पूरा असी ड्राई करना इनू, बस इस तरह मिक्स करके तो हिलाते रहना। अगर पनीर असी मिक्स करता पूरा, हूँ इलायची पाउडर जरा 5-4 इलाचियां पीरी करके रखे से वो पाता, नाल ही असी तरबूज के बीज असी ऐड कर दते ने, इन्हों अच्छी तरह मिक्स करके इस तरह नाल नाल इन्हों हिलाई जाना जब तक कि पूरा पानी सुक नहीं जाता, इस फुल फ्लेम से असी इन रखा हुआ। ये देखो जी घी असी 2 चम्मच टेबल स्पून है असी ऐड कर दिता, ज़्यादा घी की जरूरत नहीं है, तो सारा पानी बिल्कुल सारा सुक चुक है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, थोड़ी शाइनिंग और बाकी अच्छा थोड़ा इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और शाइनिंग बहुत अच्छी आ जाती है, बाकी अपने टेस्ट का अगर थोड़ा बहुत तुम बहुत घट पा सकते हो, पर असी बस इन्नी की रिक्वायरमेंट से असी इन्ना की पाया। आ देखो ये साड़ा बिल्कुल बन के तैयार है, अच्छी तरह घी नूं मिक्स कर देना, 2 चम्मच घी पाया, पनीर भी रोस्ट हो गया। देखो जी और बड़ी अच्छी खुशबू, देखो जी साड़ा बिल्कुल रेडी हो गया, गैस असी बंद करन लगे जी, तो हुण अलग कढ़ के असी तुहानूं दिखाने आ। पनीर गाजर हलवा बन के साड़ा बिल्कुल तैयार है, उम्मीद करते हैं तुहानूं पसंद आएगा, एक बार बना के देखो और अपने कमेंट्स दिओ कि तुहानूं कैसा लग्या।
थैंक यू वेरी मच।